मैं कहाँ जाऊंगी अपनी बेटी को लेके? मैं कहाँ जाऊंगी? मैं बात करता हूँ वापिस, करता हूँ बात वापिस। मुझे जाना है, मुझे जाना है मैम। फेमी, मुझे बात करनी है तुमसे, प्लीज रुको ना। राहिला, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं यहाँ अपने भाई से बात करने बैठी थी, जानती हूँ मैं, और ये भी जानती हूँ कि उस आयशा को तुम माँ बहने ही ब्याह कर लाई थी इस घर में। वो बेवकूफ है तो तुम्हों को अच्छी लगती है। लेकिन एक बात बता दो, जो मेरे से वफा करेगा ना वो फायदे में रहेगा, चूंकि मैं वफादार भी हूं और अकलमंद भी। क्या मतलब ये कि अगर कारोबार तुम्हारे पास नहीं आ रहा है तो तुम कारोबार के पास चली जाओ। मतलब तुम दोनों बहने ना बहुत ही सीधी, इसी वजह से तो समीना भाभी हुकूमत करती हैं तुम लोगों पर। वो इस घर में अम्मा के फैसलों की वजह से हुकूमत कर रही है और कारोबार पे जो भी है। लेकिन मैं तो ये सोचती हूँ कि समीना भाभी के बाद ये सब कुछ किसका है? ये घर जायदाद सब हमारे क्राउन प्रिंस की ही तो है, फाखे की। तुम आखिर कहना क्या चाहती फहमी? जो मैं देख रही हूँ ना वो तुम नहीं देख रही। एनी और फाखिर के हालात सही नहीं चल रहे। मुझे लगता है कि जो कुछ उन दोनों के बीच है वो खात्मे की तरफ जा रहा है। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो राहिला? अगर एनी को तलाक होगी तो कौन लेके जाएगा उसे? एनी को छोड़ो ना, फाखिर की सोचो। मैं तो कह रही हूँ कि खाली जगह पुर करो, हेमंत को तैयार करो।